अब गाइस यहाँ पर देखो भाई साहब पूरी दो तीन स्क्वाड आई है और देखो भाई जैसे मैं उतरा मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया, सामने एक बंदा है तो क्या करता हूँ पहले मैं लेट जाता हूँ, अब देखो उस पर मैं मौली फेंकूंगा। चलो पहला किल तो मिल गया मेरे को, जैसे ही मौली फेंकता हूँ वो देखो बंदा चल गया, एक और मौली फेंकता हूँ जल्दी से नॉक हो जाए। अब यहाँ पर मैं दूसरी मौली फेंक के ना टाइम वेस्ट नहीं करता, कहीं ऐसा ना हो कि भाई वो हेल्थ वेल्थ लगा ले फिर यहाँ पर मौली फेंकने का कोई फायदा नहीं रहेगा, तो मैं सीधा रश कर देता हूँ। और देखो जैसे यहाँ आया ये नॉक, एक और आ रहा है, एक और नॉक, इस पे तो गन ही नहीं है, एक और बचा है बस। भाई साहब सेकंडों में गाइस पूरी स्क्वाड को मार दिया, ठीक है। अब ये तो कुछ नहीं है, अभी तुम देखो यहां पर ना दो बंदे और आते हैं। अब होता क्या है कि यहां पर मैं इस बॉट को मारता हूं तभी पीछे एक गाड़ी आ जाती है, अब मेरे को साउंड आया तो मैं क्या करता हूं जल्दी से उनकी तरफ जाता हूं। ये देखो उन लोगों ने मेरे किल भी चुरा लिया, तो मैं क्या करता हूं सबसे पहले इनके मुंह पे गेंद फेंकता हूं। भाई तो गाइस जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करो और एम करते 20,000 लाइक का। अब यहां पर देखो मैं जल्दबाजी में ग्रेनेड मौली फेंक देता हूं और आता हूं राइट में। अभी एक बंदा भी देखो मेरे ही पास आ चुका था बट मैं यहां फंस चुका था दो बंदों के बीच में। और देखो अब भाई साहब क्या मारा 10 HP पे, भाई साहब 10 HP पे गाइस 1v2 यार। इसके लिए गाइस फॉलो करना तो बनता है फटाक से, सभी लोग जितने भी लोग नए हो यार फॉलो कर देना, मैं करते हैं भाई यार मेरे 500 के फॉलो का टारगेट जल्दी से कंप्लीट करा दो। अब इसके बाद देखो यहां पर मैं इस बॉट को मारता हूं, उसके बाद मैंने जिन बंदों को भी मैंने मारा था वो वापस से आते देखो मेरे को मारने के लिए। ये देखो पैरा सूट से आया, अब गाइस मैं तुम लोगों को एक ऐसा ग्रेनेड दिखाने वाला हूँ लिटरली भाई देख के ना मजा आ जाएगा तुम लोगों को। तो मैंने यहां से ये डांसे लेकर निकलने वाला तभी मैंने पीछे देखा किसी ने भाई यूएज मंगाई है। और अभी यूएज वाला भी भाई मेरी ही तरफ आ रहा था तो बस मैं समझ गया कि अब इस बंदे को देखो कैसे मारना है। तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले आगे जाता हूँ और गाइस ये ग्रेनेड अगर तुम लोगों को अच्छा लगे तो गाइस तुमको ना इस वीडियो को शेयर करना होगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। अब देखो यहाँ पर मैंने ग्रेनेड की पिन खींची और मैंने आईडी लगाया कि वो अंदर पक्का उस वाले कोने पे होगा। जैसे मैंने ग्रेनेड फेंका और साइड में आता हूं मैं 3-2-1 बूम। भाई साहब गाइस कैसा लगा ग्रेनेड यार, जल्दी से लाइक करके यार शेयर करो यार इसे अपने दोस्तों को, ठीक है। देखो अभी अब जैसे वाले बंदे को मारो भाई, देखो अब तुम यहां पर ये वाली फाइट तो कुछ नहीं थी, जो फाइट अब तुम लोग देखने वाले हो अपार्टमेंट की। अब मैं आ गया अपार्टमेंट में और जैसे अपार्टमेंट आया भाई एक बंदा नीचे, एक बंदा ऊपर और एक बंदा पीछे वाले घर पे, कितने बंदे हैं यहां पे देखो जरा। अब एक बंदा ना शायद मेरे को ऐसा लग रहा था कि आके छुप गया है तो मैं भी यहां पर उसके खड़ा होकर साउंड ले रहा था। और फाइनली मैंने सोचा कि चलो इसके मुंह पे ग्रेनेड फेंकने जाता हूं मैं। जैसे अब देखो ग्रेनेड की पिन खींचा, अब ग्रेनेड तो मैंने जल्दबाजी में फेंक दिया लेकिन तभी एक और ग्रेनेड आया तो मैं समझ गया कि यहां कोई ना कोई तो है और मैंने सोचा कि पक्का ना वो शायद पेड़ के पीछे हो सकता है। मैंने यहां पे मौली ली और फेंक दी लेकिन भाई बंदा वहां भी नहीं था, तो अब बंदा है कहां पर। अब मैं यहां पर थोड़ा डर गया तो मैं क्या करता हूं कि जल्दी से भाई अंदर घुस जाता हूं बिल्डिंग में और उसके बाद देखो जरा नीचे साउंड आ रहा है, ये देखो कमरे में बंदा है ग्रेनेड खींचा उसने। भाई कितने बंदे इस बिल्डिंग में गाइस, कैसे बचूंगा मैं यहाँ पे कमेंट करके बताओ जल्दी से। अब उस बंदे में ना मौली फेंक के मैं अंदर कमरे में आ जाता हूँ और तभी देखो क्या होता है, वो जो नीचे वाला बंदा है और जो ऊपर वाला बंदा है उन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है और मैं ना बीच में फंस जाता हूँ। अब यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि करूँ तो करूँ क्या, अगर ये लोग एक दूसरे पर रश करेंगे ना तो मैं भाई यहाँ पर फाइट में घुस जाऊंगा। और फाइनली देखो अभी पता नहीं किसी ने कोई ड्रॉप व्रॉप भी मंगाया, ग्रेनेड की पिन खींची किसी ने फिर से, भाई साहब क्या ही बचाऊं अगर वहां से ना भागता तो भाई मर ही जाता। अब इसके बाद में नीचे वाला बंदा देखो मेरे पर रश करने वाला था और अब मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो ऊपर वाले बंदे पे घुसते हैं। फट भाई साहब ये जो उसने एक DPS मेरे को मारा है ना भाई, तुम लोग क्या बताओ। अभी रुको 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 रुको, तुम लोग को लग रहा है कि नहीं अभी बदला लूंगा DPS वाले बंदे से, ठीक है वापस से आता हूँ और स्कूल अपार्टमेंट ही उतरता हूँ भाई। रिवेंज तो लेके रहेंगे और गाइस रिवेंज अच्छा लगे ना तो वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है, बस और कुछ नहीं बस शेयर कर देना, ठीक है। वापस से आए इसी बिल्डिंग में, अब देखो जब हम लोग वापस से आते हैं ना तो भाई हमारे पास ना सिर्फ यूज ही रहती है, अब कैसे भी करके ना मुझे पहले थोड़ी बहुत लूट लेनी होगी एक आध बंदे को मार के। तो बस अब मैं इंतजार करता हूँ कैसे भी करके एक आध किल मिल जाए ताकि उसकी पेटी लूट के मुझे बहुत लूट मिल जाए। अब देखो वो भाईजन वाला बंदा भाई अभी भी नहीं चाहिए, मैं यहां पर वेट कर रहा था ऊपर वाले बंदे का, फाइनली मैं ऊपर आया
भाई फिर से बचा भाई, एक साथ दो बंदे आ गए मैं ऊपर, एक नॉक, दूसरा भी नॉक। जल्दी से इन दोनों को मारा भाई मैंने, ताकि मैं लूट ले पाऊं, क्योंकि मेरे पास लूट नहीं थे अभी तक, सिर्फ एक यूजी तो थी मेरे पास लेवल 1 के हेलमेट। वैसे इसको मार के लेवल 2 का हेलमेट भी मिल जाएगा मेरे को। बस गाइस अब देखो तुम, अब गाइस ऊपर वाले बंदे को मैं जो आईक्यू लगा के मारने वाला हूं ना भाई साहब, तुम लोग पहली बार ही शायद ऐसा कोई आईक्यू देख पाओगे, पहली बार नहीं, या फिर आपने देखा भी होगा तो बहुत ही रेयरली देखा होगा ऐसा आईक्यू। देखो बस तुम, अब यहां पर जैसे मेरे को सारी लूट वूट मिली, मैंने गन वन रिलोड किया, और उसके बाद अभी देखो मैं आगे निकलता हूं। एक बंदा नीचे कूदा, चलो भाई इसको तो बग्गी से उतारा। अब दूसरा वाला जो बंदा है वो नीचे कूद जाता है, और जो डीबीएस वाला बंदा है वो अभी भी ऊपर ही है, ठीक है, इस कमरे में सामने। बंदे का साउंड आता है मेरे को, मैं उस पर रश कर देता हूं। भाई साहब इसके पास तो ग्रोजा है, वो भागा यहां से। अब मैं देखो यहां पर उसका पीछा करता हूं, और वो जा रहा था अपने बंदे को रिवाइव करने के लिए। और फाइनली गाइस देखते जाओ बस, अब फिर से नॉक, और फिर इस बाइस गाइस जिन लोगों ने अभी तक भी फॉलो नहीं किया फॉलो करो, और देखो अभी उस डीबीएस वाले बंदे को ही मारना बाकी रह गया। तो यहां पर देखो मैं क्या करता हूं, यहां आता हूं, और मैं सोचता हूं कि चलो इसके मुंह पे ग्रेनेड मारूंगा, ठीक है, तो मैं यहां पर आके ग्रेनेड की पिन खींचता हूं। लेकिन जो डीबीएस वाला बंदा है ना भाई, वो और भी अच्छा आईक्यू लगा के बैठा था, मैं तुम लोग बताता हूं कहां। देखो मैंने जैसे यहां पर ग्रेनेड की पिन खींची, और मैं ग्रेनेड जैसे फेंकने जाऊंगा ना, तो वो भाई विंडो पे बैठा हुआ पीछे मेरे, ये देखो आप लोगों ने साउंड सुना, वो पीछे बैठा और वो मेरे को मार सकता था। अब यहां मैंने आईक्यू लगाया कि इसको कैसे मार सकते हैं, तो देखो गाइस अभी तुम, अब गाइस ये चीज अच्छी लगी तो अभी भी जिन्होंने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करना और शेयर करो, ठीक है, देखते जाओ बस। मैं क्या करता हूं, इस विंडो पे आता हूं, और अब मार भाई डीबीएस, क्या हुआ, निकल गई डीबीएस, निकल गई डीबीएस। खैर गाइस अभी जो बग्गी वाले बंदे थे ना, जिन दो बंदों को मैंने मारा था बग्गी वाले, अब वो बंदे ना वापस से छत पे आए थे, और ये बात ना मुझे पता नहीं थी, लेकिन देखो अभी होता क्या है। बग्गी आई एक, और देखो ओके ओके ऊपर आ गया बंदा। अब मैं यहां पर भाई क्या करूं, ऊपर भी बंदा है नीचे भी बंदा है, मैं हर बार ऐसे ही फंस जाता हूं। तो पहले मैं हेल्थ लगाता हूं। अब देखो जो नीचे वाला बंदा था ना, वो ऊपर ग्रेनेड फेंक रहा था, देखो एक ग्रेनेड फेंका उसने। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक और ग्रेनेड की पिन खींचता हूं, मैं भी सोचता हूं कि ऊपर वाले बंदे पर रश कर देता हूं। ये मैंने गेंद फेंका और जैसे ही रश करता हूं, देखो अब भाई कैसे नहीं मरा ये बंदा, इसके पास लेवल 1 के हेलमेट वेस्ट है, और मेरे पास भी भाई लेवल 2 के, पता नहीं यार क्या है ये।